फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को हमारे इस वीडियो में। और आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग APS ट्रांजेक्शन कर रहा है तो आपका ऊपर क्या 2% TDS आ सकती है कि नहीं आ सकती है, इसके बारे में दोस्तों बहुत सारा भाई लोग मेरे को कमेंट किया था। तो आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। अगर दोस्तों आप APS यानी आप आधार से पैसा विड्रॉ करता है, माइक्रो ATM से पैसा विड्रॉ करता है, तो आपका 2% TDS लग सकती है कि नहीं लग सकती, वो भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है अशोक और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करता है। दोस्तों आपको सब पता है, बहुत सारा भाई लोग दोस्तों बहुत आईटीएम का बात कमेंट करता है, कमेंट में रिप्लाई नहीं देने के लिए होता है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी दोस्तों इस वीडियो से कमेंट आता है, कोई कोई दोस्तों अगला हमारा पिछले जो एक साल पुराना वीडियो है उसमें कमेंट आता है। तो आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों पूरा कमेंट का रिप्लाई देने के लिए दोस्तों कोशिश करेंगे। इस वीडियो शायद हो सकती है लंबा, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जानेगा देखना चाहता है तो मन ध्यान से सुनिए। अगर दोस्तों आपको समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप रिप्रिंट करके देखिए, ठीक है, रिपीट करके, क्योंकि आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे आप अगर 2% TDS से बचना चाहता है तो आप दोस्तों इस वीडियो देखो, ठीक है। तो आपको शायद पता है दोस्तों मार्केट में बहुत सारा कंपनी अभी फ्री TDS करंट अकाउंट दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें क्या TDS लग सकती कि नहीं लग सकते, क्योंकि दोस्तों मैं अगर बात करूं मेरा सिस्टम से तो खुद दोस्तों आपको भी पता चलेगा, अगर आपके पास करंट अकाउंट है फ्री TDS करंट अकाउंट, तब भी आपका TDS 2% लग सकती है। तो कैसे दोस्तों इसका सोल्यूशन है, इस वीडियो में हम आपको वही बताने के लिए आया है। आशा करेंगे आप इस वीडियो को माध्यम से पूरा जानकारी A to Z लेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर दोस्तों आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप लोग दोस्तों जाएगा तो वहां पे दोस्तों कोई करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, वहां पे रूल्स है। जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेस के लिए होता है, लेकिन दोस्तों उसमें ये नहीं है, जो करंट अकाउंट जिसका पास है उसको TDS रिटर्न नहीं करना है, ITR नहीं करना है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में साइड में चला जाना, वहां पे आप लोग देख पाएगा जो उसमें कोई दोस्तों रूल्स नहीं है, सेविंग के लिए अलग, करंट के लिए अलग, कोई भी रूल्स नहीं है। रूल्स किसमें है, अगर दोस्तों आप जिस बैंक से ट्रांजेक्शन करेगा उस बैंक का लिमिट है, तो कैसे उस सोल्यूशन को सॉल्व करेगा, चलिए मैं वही आपको बताने के लिए आया हूँ। अगर दोस्तों आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आज दोस्तों इस वीडियो देख रहे हैं इसी सन यानी दोस्तों अभी के अभी दोस्तों इस अकाउंट को रिमूव कर दीजिए वहां से, क्योंकि दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को रिमूव कीजिए। अगर दोस्तों आप एक साल से उस अकाउंट को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो रिमूव मतलब दोस्तों उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कीजिए, यानी दोस्तों आपका फुल अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करना है, सिर्फ जिस पोर्टल से काम कर रहे हैं मार्केट में दोस्तों स्पाइस मनी, RNFI, PennyRY, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, बहुत सारा कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल उस कंपनी से जो जिस कंपनी के थ्रू आप लोग APS कर रहा है, बोलो तो आधार ATM कर रहा है, उसी जगह से ATM को अकाउंट को डीएक्टिवेट कीजिए। आपको नहीं मैं बोल रहा हूँ जो आप अकाउंट क्लोज कर दिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ अकाउंट को वहां से डीएक्टिवेट कीजिए और आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा उसमें क्या आपको फायदा होगा, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है तो उसमें आपको क्या फायदा होगा मैं अभी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, वीडियो शायद लंबा हो सकती है, आप थोड़ा मन ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैं सेविंग का बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों करंट का बताऊंगा, कि बहुत सारा भाई लोग बोल रहे हैं भाई मेरे पास करंट अकाउंट है तो मेरे को कोई TDS का झंझट नहीं है। TDS आपको भी लगेगा, कैसे लगेगा मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग सेविंग अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप दोस्तों वहां से डीएक्टिवेट कीजिए अकाउंट को और आप दोस्तों वहां पे नया अकाउंट जोड़ दीजिए। यानी दोस्तों अगर आपके पास दो अकाउंट है, अभी दोस्तों इंडिया में जो भी बंदा है, जो भी सब्सक्राइबर है मेरा, सबके पास दोस्तों 2-3-4 बैंक होता है, एक आदमी के पास दोस्तों कम से कम मिनिमम 3 बैंक, मैं सोचूं 3 बैंक है। तो एक बैंक का लिमिट दोस्तों एक साल में दोस्तों 9,99,999 रुपया, ठीक है, 9,99,999 रुपये, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 10 लाख बराबर नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरा बोलने के लिए थोड़ा कुछ मिस्टेक होगा, 9,000 पहले आपको ऐसा, बाद में दोस्तों 9,99,999, यानी दोस्तों आपको 1 रुपया कम 10 लाख ट्रांजेक्शन करने का लिमिट है। अगर दोस्तों एक साल के अंदर आप लोग ट्रांजेक्शन कर रहा था तो आपको दोस्तों TDS यानी प्लांटी देना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं खुद दे रहा हूँ, मेरा अगले महीने में दोस्तों 164 रुपीज TDS काटा, इस महीने में कितना कटेगा अभी हमको पता नहीं है, क्योंकि इस महीना अभी भी चल रहा है, आज तो 24 तारीख है, कल 25 होगा, तो कुछ दिन के बाद हमको इसका भी TDS के लिए आ जाएगा। तो मैं दोस्तों गलती काम किया था, एक ही जगह में गलती किया था, मैं 2020 में गलती किया था, जब दोस्तों मैं ज्यादा ट्रांजेक्शन किया था उस टाइम दोस्तों 2020 था, और उस टाइम दोस्तों आपको पता है लॉकडाउन का समय था, ठीक है। और मैं दोस्तों उस टाइम कौन सा गलती किया मैं वो भी आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। उस टाइम दोस्तों मैं एक अकाउंट लिंक किया था, जिस अकाउंट के थ्रू दोस्तों मैं अगर बात करूं तो दोस्तों आप ऑनलाइन अकाउंट मत यूज कीजिए,
अगर दोस्तों आपके पास एयरटेल है, फिनो है, पेटीएम है, तो उस अकाउंट को आप वहां पे लिंक मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों वो है ऐसा ही जो आप वहां पे शॉपिंग करने के लिए अकाउंट है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक, जो भी पेमेंट बैंक है, उस बैंक अकाउंट को दोस्तों आधार एटीएम के जगह में लिंक नहीं करना, क्योंकि दोस्तों जब आप उसको लिंक करेगा तो साथ साथ दोस्तों यूआईडीएस से दोस्तों आपके पास इस तरह मेल आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, मेरे पास दोस्तों दो दिन पहले मेल आया है, मैसेज आया है एसएमएस में, वो दोस्तों सीआईबी होता है दोस्तों कस्टमर, चलिए कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को बोलने के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो मैं बैंक अकाउंट में किया था उज्जीवनी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से, दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे केवाईसी रिकॉर्ड नंबर, दोस्तों मेरे यहाँ पे देख पा रहे केवाईसी रिकॉर्ड नंबर भी शो हो गया है, तो मेरा उस अकाउंट से भी लिंक, तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करो, कौन सा भी बैंक से यूज करो, आप आरबीआई को पता होगा। तो आपको क्या करना है, उस अकाउंट को वहां से रिमूव कीजिए, जो आप अकाउंट यूज कर रहे हैं अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस अकाउंट को वहां से रिमूव कीजिए, आप दूसरे अकाउंट ऐड कीजिए, तो टीडीएस का चक्कर में नहीं आपको आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको 10 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाता है सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट का मतलब दोस्तों आप उस अकाउंट को सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कराएगा, उस अकाउंट उसके लिए है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लिए सेविंग के लिए, आपको अभी करना है चेंज करना है अकाउंट, ठीक है, नहीं तो आप दोस्तों जनवरी महीना पड़ने वाला है तो मैं उसको बात कर देंगे अभी। दोस्तों आपको बोले करंट अकाउंट की क्या टीडीएस लग सकती है कि नहीं लग सकती है, बहुत सारे भाई लोगों को यह भी प्रॉब्लम हो रहा है, बट टीडीएस क्यों है लगेगा, हमारा तो फ्री है, टीडीएस फ्री अकाउंट है, हम लोग एक बार अकाउंट में पैसा डाल दिया है। बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोला, खुद मेरे को प्रैक्टिकल में बहुत बोलो दोस्तों, करंट अकाउंट में भी ऐसा सिस्टम नहीं है। करंट अकाउंट में दोस्तों टीडीएस जो होता है दोस्तों, गवर्नमेंट का जो टीडीएस होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वहां पे दोस्तों कोई सिस्टम रूल्स नहीं है, सबका एक ही है, बैंक का लिमिट है। बैंक का लिमिट क्या है, सेविंग के लिए 10 लाख, करंट के लिए दोस्तों 20 लाख। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, 1 करोड़ तक उसका लिमिट होता है, ठीक है, 1 साल में 1 करोड़ तक लिमिट होता है कोई कोई बैंक में। बोलो तो मैं अगर बात करूं करंट अकाउंट दोस्तों दो तरह से होता है, एक दोस्तों 20 लाख तक ट्रांजेक्शन होता है, एक दोस्तों 1 करोड़ तक होता है, दोस्तों दो तरह से करंट अकाउंट होता है। जो दोस्तों इंडिविजुअल अकाउंट होता है दोस्तों वो 20 लाख तक होता है, यानी दोस्तों जो इंडिविजुअल बोलते इंसान के लिए वो दोस्तों 20 लाख होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। मैं प्रैक्टिकल अगर बात करूं, मैं बैंक में गया था, आप दोस्तों आप लोग बिजनेस के लिए करें तो 1 लाख आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा, लेकिन दोस्तों सॉरी 1 करोड़ दोस्तों ऐसा नहीं है, 1 रुपया कम 1 करोड़, अगर दोस्तों उससे ज्यादा करेगा तो आपको टीडीएस 2% यानी दोस्तों कम से कम 1200-1300 रुपया आपको काट ले जाएगा। तो ये दोस्तों टीडीएस, और ज्यादा से तो अगर बात करें तो दोस्तों आपको मैं यही बोलेंगे, जो आप मद इतना यूज कीजिए, अगर दोस्तों आप करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं इस साल में, तो अगले साल में दोस्तों दूसरा सेविंग अकाउंट यूज कीजिए, उसके बाद दोस्तों दूसरा अकाउंट यूज कीजिए। दोस्तों बहुत सारा भाई लोग बोल रहे हैं जो टीडीएस फ्री अकाउंट, ऐसा कोई भी नहीं है दोस्तों, आरबीआई के रूल्स एक ही है, जो आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करेगा तो आपको आईटीआर करना पड़ेगा, अगर आप आईटीआर नहीं करेगा तो हम आपसे टीडीएस कटेंगे, यही दोस्तों रूल्स है, ऐसा कोई बोलो तो अलाउ नहीं है, जो हम जितना कुछ पैसा ट्रांजेक्शन करें इसमें कोई टीडीएस नहीं कटेगा। गवर्नमेंट दोस्तों वहां पे एक जगह में बैठा है, वो दोस्तों आपका हिसाब कर रहा है, उसमें दोस्तों कम से कम उसी के लिए दोस्तों एम्प्लॉय को वहां पे बैठा के रखा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं दोस्तों, मेरा एक भैया ऐसा बोलकर बोलता है, तो मैं उसके लिए दोस्तों मेरा भाई के लिए बोल दिया हूं। तो आशा करेंगे इस वीडियो के अंदर से आप लोग पूरी जानकारी मिल चुका है। दोस्तों इंडिविजुअल अकाउंट अगर आप लोग करंट अकाउंट खुलेगा तो इंडिविजुअल खोलना, बिजनेस के लिए नहीं खोलना दोस्तों, बिजनेस के लिए खुलेगा, कभी भी उस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकती है। तो आशा करेंगे वीडियो लंबा हो चुका है आपको, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा जानकारी मिले। बाय।